दोस्तों क्वेश्चन है, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना क्यों आवश्यक है, अलग करना क्यों आवश्यक है। बच्चों ये क्लास 10th बायो है, चैप्टर नंबर 6, अध्याय नंबर 6 है बच्चों, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब समझिए ये बच्चों कुछ कुछ वर्ड इसमें टेक्निकल वर्ड है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए बच्चों। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आंसर खुद ब खुद समझ जाएंगे, ध्यान समझिए। अस्तनधारी, आप इस शब्द को समझिए, अस्तनधारी को कहते हैं बच्चों मैमल्स, क्या बोलते हैं मैमल्स। अस्तनधारी मतलब होता है जिसके पास अस्तन हो, क्या हो, अस्तन हो, ध्यान दो, ध्यान समझिए। जैसे कि चूहा, चूहा कैसा जीव है, अस्तनधारी, चूहा कैसा जीव है, अस्तनधारी। व्हेल मछली क्या है, अस्तनधारी। मनुष्य क्या है, अस्तनधारी। गाय क्या है, अस्तनधारी। गाय भी अस्तनधारी है, नहीं है। भैंस क्या है, अस्तनधारी। जो दूध देता है, इसका समझो, जो बच्चों को दूध पिलाए वो अस्तनधारी होता है, बात समझ आया, क्या बोले, जो बच्चों को दूध पिलाए जिसके पास अस्तन हो उसे कहते हैं अस्तनधारी। ठीक है, ध्यान समझिए, मैमल्स इन्हें क्या कहते हैं, मैमल्स। और पक्षी, पक्षी समझते ही होगे, बर्ड्स, कौवा, मैना, तोता, बिल्ली, सर बिल्ली नहीं, कौवा, मैना, तोता, मोर, जो भी हो, मैं ऑक्सीजन देखिए बच्चों। अब ये टर्म समझिए, ऑक्सीजनित का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन का उपस्थिति हो, समझे, ऑक्सीजन मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो, जिसमें ऑक्सीजन हो, क्या समझे, ऑक्सीजन इसमें होगा, इसमें ऑक्सीजन है, अथवा बी ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, क्या हो, एब्सेंस, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, जिसमें देखो इसमें ऑक्सीजन होगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, समझ आया, इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो कह रहे रुधिर, रुधिर मतलब खून, रुधिर मतलब खून। देखो खून भी दो तरह के होते बच्चों, एक होता है ऑक्सीजनित, एक होता है बी ऑक्सीजनित रुधिर। ऑक्सीजनित रुधिर मतलब जिसमें ऑक्सीजन होता है, बी ऑक्सीजनित जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, समझ आया। और रुधिर मतलब होता है खून, ब्लड, ब्लड, ब्लड मतलब खून, रुधिर को मतलब खून कहते हैं, ध्यान समझिए। को अलग अलग सेपरेट करना, सेपरेट अलग अलग करना क्यों आवश्यक है, समझ में आया, फिर समझिए। अस्तनधारी जिसके पास अस्तन हो, ठीक है, पक्षी में ऑक्सीजनित मतलब कैसा रहा, ब्लड उपस्थित जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, और बी ऑक्सीजनित मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, वैसा रुधिर को अलग अलग मतलब कहने का है कि दो तरह का खून होता है, ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित, तो उन दोनों को अलग अलग क्यों रखते हैं, खास करके अस्तनधारी में और पक्षियों में, यही प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न मन आ गया, आप समझिए, आप इसका आंसर समझो, देखो ध्यान समझिए, क्या ब्लड सही है, बी एल डबल ओ डी, बी एल डबल डी लिखे हैं बालक, तो पी लिखा है, बी एल डब्ल्यू डी ब्लड है, बी एल डब्ल्यू डी ब्लड मीन्स खून, ब्लड क्या है, सही तो है ब्लड, पी नहीं, बी एल डब्ल्यू डी ब्लड, ऐसा ब्लंडर हम करेंगे, देखो ब्लड बच्चा जानता है, पत्नी के छठा के बच्चा, ब्लड, ब्लड मीन्स खून, चलिए टॉपिक पाते हैं। तो ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित, ध्यान समझो, तो बात कर रहे हैं, तो अस्तनधारी और पक्षियों में मतलब क्यों ये ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित अलग अलग है, ध्यान समझो, इसका समझो क्या होगा, देखो बच्चों ध्यान समझिए आप, होता क्या है, ये जो पक्षियां होती हैं और ये जो अस्तनधारी मैमल्स होते हैं, उनको जीवित रहने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए, कभी पक्षी को देखा है तुम लोगों ने, पक्षी एक ऐसा प्राणी होता है जो एक देश से दूर करके दूसरे देश पहुंच जाता है, श्रीलंका का पक्षी भारत भी आता है, सर्बिया का पक्षी इंडिया भी आता है, इंडिया का पक्षी विदेश भी जाता है, पता है, पक्षी ही एक ऐसा जीव है, हालांकि शेर से नहीं जा पाता, इतना दूर कौन जा पाएगा शेर, लेकिन पक्षी एक ऐसा जीव है बच्चों जो बहुत दूर ट्रेवल करते, बहुत बहुत दूर, और उनको ट्रेवल करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए बच्चों, ज्यादा ऊर्जा चाहिए, पक्षी को उड़ने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, हाई टेम्प, मतलब उसको दो चीजें चाहिए, पहला तो चाहिए एनर्जी, क्या चाहिए, ऊर्जा, अगर ऊर्जा नहीं हो पाएगा तो वो उड़ ही नहीं पाएंगे, उड़ पाएंगे क्या, नहीं। दूसरी चीज टेम्परेचर, जैसे हम लोग के यहाँ है ना कि स्वेटर पहन लेते हैं, ठंडा आया जैकेट पहन लिया, एकदम मफलर लगा लिया, लेकिन उनके पास कुछ भी साधन नहीं होता, तो उनको हाई टेम्परेचर भी चाहिए, उच्च तापमान, क्या चाहिए बताओ, पहले क्या चाहिए बताओ, ऊर्जा, ऊर्जा क्या चाहिए, कम या ज्यादा, वेरी गुड, तापमान क्या चाहिए, कम या ज्यादा, आप ध्यान दो, तापमान भी ज्यादा चाहिए और ऊर्जा भी क्या चाहिए,
सुनाया, हाई एनर्जी, एनर्जी उच्च एनर्जी रहना चाहिए और हाई टेम्परेचर भी होना चाहिए, क्योंकि उनको सर्वाइव करना होता है ना, उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना हो पड़ता है, उनको कोई बाहर से मतलब ये नहीं हो पाता है कि सुरक्षा नहीं मिल पाता है, हालांकि उनका पंख होता है जो उनको ठंडों से बचाता है। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए। तो ये ऊर्जा, उच्च ऊर्जा, कैसा ऊर्जा बच्चों? उच्च ऊर्जा मतलब हाई, बेसी ऊर्जा चाहिए और उच्च और उच्च तापमान, कैसा तापमान? उच्च तापमान। ये आपको ध्यान समझिए, ये तभी मिल पाएगा जब ये दोनों रक्त अलग अलग होंगे, अगर मिल जाएगा तो ये नहीं मिल पाएगा, समझे बात? अगर ये दोनों ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित अगर एक हो जाएगा ना, क्या बोले, तो ये उच्च तापमान और उच्च ऊर्जा उसको नहीं मिल पाएगा। यही रीजन होता है, यही कारण है कि दोनों जो ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित दोनों रुधिर अलग अलग सेपरेट होते हैं, समझे? ध्यान समझे क्यों, आप समझिए, आप समझो उसको। तापमान के लिए, तापमान के लिए बच्चों ध्यान से, अगर तापमान चाहिए, तापमान तभी मिलेगा जब उसका शरीर में ग्लूकोज टूटेगा। क्या कहेगा? ग्लूकोज अगर नहीं टूटेगा ना, ध्यान समझो, ग्लूकोज अगर नहीं टूटेगा तो तापमान नहीं मिल पाएगा। तो ग्लूकोज क्या करना चाहिए बोलो, ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलो, कोई बोलो, हाँ, सी बारह एच बाईस, चीनी का होता है सी बारह एच बाईस ग्यारह, तो चीनी का हो गया C6H12O6, हाँ, C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है किसका, याद कर लो, C6H12O6, C6H12O6, चीनी का होता है C12H22O11, कौन, C12H22O11, क्या बोलो, C12H22O11, याद कर लो, एग्जाम में कभी भी नंबर कट जाएगा, नहीं याद, आप बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सुबह कंफ्यूज हो गया अभी, C6H12O6, देखिए ध्यान समझिए, ग्लूकोज और चीनी का क्या होता है, लिख देते हैं C12, बोलो C12H22O11, ये होता है चीनी का। ठीक है, ध्यान समझिए, टॉपिक पे आइए, टॉपिक है, तो मैं कह रहा था उच्च तापमान तभी मिल पाएगा बच्चा जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज विखंडित होगा, टूटेगा, और ग्लूकोज तभी टूटेगा जब ये दोनों खून अलग अलग होगा, ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित, जब खून अलग अलग होगा ना बालक, तभी जाकर के ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो पाएगा, टूट पाएगा। अगर ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो जाहिर सी बात है तापमान नहीं मिलेगा, और तापमान नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, समझ आया, समझो लॉजिक समझो, उनको क्या चाहिए बच्चों, तापमान, क्या चाहिए, कैसे तापमान, हाँ, चूंकि उनको ट्रेवल करना है, बहुत दूर तक जीना है, तो उसके लिए उड़ने के लिए तो भाई तापमान चाहिए ना, पता है ठंडा ठंडा मौसम कैसे -30 डिग्री -50 डिग्री में पक्षी रह जाता है, कहते हैं 0 डिग्री पर बर्फ जम जाता है, 0 डिग्री तापमान होगा ना तो पानी जो हो जाएगा वो बर्फ हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर कहा, मतलब साइंस कहती है कि 0 डिग्री पर होता है तो पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, सुनाया, वो तो माइनस में रह जाते हैं, माइनस में जीते हैं, अब माइनस कैसे जाएंगे, माइनस जब है तो उसको तो भाई तापमान चाहिए, ठंडा खूब है, बहुत ठंडा है, तापमान मिलेगा तभी तो, नहीं समझ आएगा, तापमान ऐसा ऐसा जगह है रसिया में, ऐसा ऐसा जगह है सर्बिया सब, तो उसमें वहां पर क्या कहते हैं, बहुत ठंडा होता है, हड्डी गलाने में ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है, तो पक्षी को वहां सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए क्या चाहिए, बोलो, उच्च तापमान, और उच्च तापमान तभी मिलेगा जब ग्लूकोज टूटेगा, बोलो, अच्छा ग्लूकोज तब टूटेगा जब ऑक्सीजनित अब बी ऑक्सीजन दोनों अलग अलग होंगे, पक्षियों में और मैमल्स में भी, स्तनधारियों में भी होना चाहिए, ये स्तनधारियों में भी होता है, समझे, वेल्स, अच्छा वेल मतलब जानते हो ना, वेल क्या है, तो वो तो समुद्र में रहता है, जानते हो ना, इतना ठंडा होता है समुद्र में, कैसे सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर उनको उच्च तापमान, उच्च ऊर्जा चाहिए, समझे, हाई एनर्जी एंड हाई टेम्परेचर, हाई एनर्जी एंड हाई टेम्परेचर, कभी कब मिलेगा, जब ग्लूकोज क्या होगा, विखंडन, जब ग्लूकोज टूटेगा ब्रेकडाउन होगा, जब ये टूटेगा कब, जब ये दो क्या होंगे, आप इसका आंसर सीधा लिखेंगे परीक्षा में, कि स्तनधारी और पक्षियों में ऑक्सीजनित मतलब ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड मतलब बी ऑक्सीजनित, ठीक है, इन दोनों को रुधिर जो होते हैं, ब्लड, खून, रक्त भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है, रक्त, खून, रुधिर, ब्लड, ठीक है, ध्यान रखना, इन दोनों अलग अलग इसलिए होते हैं,
क्योंकि इनको जीने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, अधिक तापमान चाहिए, और अधिक ऊर्जा तापमान तभी मिल पाएगा जब ये दोनों अलग अलग क्या होंगे, सेपरेट रहेंगे। सेपरेट मतलब समझते हो ना, अलग सेपरेट मतलब अलग। तो जब से जब अलग अलग रहेगा, जब ये मिक्स हो जाएगा ना, तो मिक्स अगर हो गया, सपोज दैट ये दोनों मिक्स हो गया मान लो, तो क्या होगा, मिक्स होने के बाद ये जो उच्च ऊर्जा है वो मिल ही नहीं पाएगा, उच्च ऊर्जा और उत्तापन मिल ही नहीं पाएगा। जब उच्च ऊर्जा उत्तापन नहीं मिल पाएगा तो भाई तब वो तो जी ही नहीं पाएंगे, समझ आया। यही रीजन होता है, यही कारण है कि जो जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स मतलब स्तनधारी, समझे, जो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, मतलब कि अपना स्तन पान कराते हैं, ठीक है। और पक्षियों जो जो बर्ड्स होते हैं, दोनों के जो ऑक्सीजनित और व्यसनित क्या होते हैं, समझाया। बताओ क्यों जोड़ी है, क्यों दोनों को सेपरेट कर जोड़ी है अलग अलग खून को, इसलिए जरूरी है क्योंकि पक्षियां जो ट्रेवल करती हैं तो ठंडी और ज्यादा तापमान वाले जगहों पे जाती है, बिल्कुल, उन्हें उच्च तापमान उच्च ऊर्जा चाहिए, तभी वो ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे, बिल्कुल सही। जब ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित अलग अलग रहेगा तभी यह संभव होगा। हाँ ये बात है, जब ये दोनों सेपरेट रहेंगे ना, जब ये दोनों क्या रहेंगे सेपरेट, तभी जा करके ये जो मैं कह रहा हूँ उच्च तापमान और उच्च ऊर्जा जो भी है, हाई एनर्जी और हाई टेम्परेचर तभी हो पाएगा जब ये दोनों खून क्या होंगे अलग अलग। अगर मिक्स हो गए तो भाई तब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, तब तो वो पक्षी एकदम मर ही जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनका अस्तित्व एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, दे कैन नॉट सर्वाइव। ओके दिक्कत बोलो, समझ आया। यस दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगे, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश किया इसमें, और आप समझिए, दो वीडियो को दो तीन बार देखिए, समझ जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।